यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन कई बार अल्ट्रासाउंड करवाने पर बच्चे की हार्ट बीट दिखाई नहीं देती है। तो जो न्यू मैरिड कपल्स हैं या जो कपल्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई बच्चे की हार्ट बीट क्यों नहीं दिखाई दी है। वेल, देखिए, बच्चे की हार्ट बीट कई कई सिचुएशन में प्रॉब्लम की बात होती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो मिसकैरेज की तरफ जा रही होती है, और कई बारी जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो कपल्स जो हैं वो डर जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि बच्चे की हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड में कब दिखाई देती है, मैक्सिमम आपको कितना टाइम वेट करना चाहिए। कई जो पेशेंट्स हैं ना वो तीन तीन चार चार महीने वेट करते हैं, फिर अगर प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज की तरफ जाती है ना तो उनको आगे कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, और हेल्थ रिगार्डिंग भी उनको कई इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम आपको कितना टाइम वेट करना है, इस वेटिंग के टाइम पीरियड पर आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो जिससे बच्चे की हार्ट बीट आपको जल्दी दिखाई दे, और स्टिल सब कुछ ट्राई करने के बाद इंक्लूडिंग मेडिसिन लेने के बाद भी अगर बच्चे की हार्ट बीट आपको दिखाई नहीं देती है तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, बच्चे की हार्ट बीट कब आती है, इस बात को समझने से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने तक महिला के शरीर में कौन कौन सी प्रोसेस हो चुकी हैं जिससे आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिला है। तो जो महिला है उसका मासिक चक्कर, अगर महावारी के चक्कर की बात करें तो वो 28 से 30 दिन की होती है। अगर उसका आधा करते हैं तो लगभग 14 से 15वें दिन के अराउंड ओवल्यूशन होता है, मतलब महिला के शरीर से अंडा रिलीज होता है। इस बीच अगर महिला का शारीरिक संबंध बनता है तो पुरुष के साथ महिला के अंडे का मिलन होता है, इसे कंसीव करना बोलते हैं, या फिर कंसेप्शन डे या फर्टिलाइजेशन डे बोला जाता है। इस फर्टिलाइजेशन डे के लगभग 5 से 7 दिन के बाद ये जो फर्टिलाइज एग है ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है, मतलब गर्भाशय में जाके इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट जब होता है तो इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कई महिलाओं को देखने को मिलती है। इसी इम्प्लांटेशन के बाद महिला को प्रेगनेंसी के जो साइन और सिम्टम्स हैं ना वो भी शो होने लग जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। जब ये इम्प्लांटेशन होता है तो फिर ये जो फर्टिलाइज एग है एक हार्मोन को बनाना स्टार्ट करता है जिसे ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोला जाता है, शॉर्ट बोलें तो बीटा एससीजी हार्मोन ये बनाना स्टार्ट करता है। जैसे ही ये हार्मोन महिला के शरीर में बनना स्टार्ट होता है वैसे ही महिला को पीरियड्स आते नहीं हैं, और जो बीटा एसीजी हार्मोन है ये 9 महीने महिला के शरीर में रहता है, इसलिए महिला को 9 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। अब जब पीरियड्स नहीं आते हैं तो फिर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो और वो पॉजिटिव आता है। तो जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं वो इसी हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं, मतलब बीटा एसीजी हार्मोन को ये डिटेक्ट करती हैं। इस हार्मोन का यूरिन में मिलना और टेस्ट कार्ड में पॉजिटिव आना ये इस बात को दर्शाता है कि जो फर्टिलाइज एग है वो गर्भाशय में जाके प्रॉपरली इम्प्लांट हो गया है। अब आगे की जो प्रोसेस होती है उसको समझना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप समझना चाहते हो ब्रीफली कि बच्चे की हार्ट बीट कब आती है। तो देखिए, जो बच्चा है वो यूट्रस में ही रहेगा अब, क्योंकि इम्प्लांट हो चुका है, और जो 9 महीने की उसकी यात्रा है ना वो यूट्रस में ही रहेगी, वो यूट्रस से बाहर जा नहीं सकता, उसको यूट्रस में ही रहना है। ओके, तो सेम जो कंडीशन है गाइस वो आप अपने लिए भी अप्लाई कर लीजिए। सपोज कीजिए कि आपको ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपको 9 महीने रहना है, आप कुछ भी नहीं लेके गए हो अपने साथ में, तो सबसे पहले उस जगह पर रहने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। उस जगह पर बारिश होगी, गर्मी होगी, सर्दी आएगी, तूफान, आंधी, सब कुछ होगा, तो आपको रहने के लिए एक घर चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर वहाँ पर घर में अब आप रह रहे हो, लेकिन उसके लिए जिंदा रहने के लिए आपको खाना पीना भी तो चाहिए ना, तो वहाँ पर खाना पीना भी होना चाहिए। अब खाना पीना अवेलेबल है, घर अवेलेबल है, लेकिन आपका ठीक रहना भी तो ज़रूरी है ना, मतलब आपका हेल्दी रहना भी ज़रूरी है, तभी तो 9 महीने का समय आप वहाँ पर निकाल सकोगे। तो सेम चीज़ बच्चे के साथ भी अप्लाई होती है।
जो फर्टिलाइज एग है जब वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो इसकी जो आउटर लेयर है वो प्लेसेंटा बनाती है और एक थैली बनाती है। इस थैली में फ्लूड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूड बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जो 9 महीने की जर्नी होती है बच्चा एक थैली में रहता है जिसमें पानी रहता है और बच्चा उसमें तैरता रहता है, तो ये जो थैली है इसे गेस्टेशनल सैक बोलते हैं। ठीक है, सो जब आप पीरियड मिस करते हो तो ये जेस्टेशनल सैक बनना स्टार्ट हो जाता है। जब ये सैक बनता है तो इसके लगभग 7 से 10 दिन के बाद इस गेस्टेशनल सैक में बच्चे के लिए खाने का निर्माण होता है। एक थैली बनती है राउंड सर्कल की, जिसका साइज जो है वो 3 mm से 5 mm के अराउंड रहता है। इसमें न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं जिसे योक सैक बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे के खाने का इंतज़ाम हो चुका है तो योक सैक के बनने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद इसी योक सैक के सीमा पर, मार्जिन एरिया जो है सीमा है, वहाँ पर एक सी टाइप की कर्व टाइप की आकृति अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है। इस सी टाइप की आकृति में एक साइड में बच्चे का सिर होता है और नीचे की साइड में बच्चे की पूछ होती है शुरुआती स्टेज में, जिसे पोल बोलते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे फीटल पोल बोला जाता है। फीटल पोल मतलब कि फीटस। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है। इस फीटल पोल के बनते टाइम ही बच्चे की हार्ट बीट दिखाई देती है, या फिर जब फीटल पोल का साइज 3 mm, 4 mm या फिर 7 mm मैक्सिमम हो जाता है तो बच्चे की हार्ट बीट दिखाई देती है। शुरुआती स्टेज में जो बच्चे की हार्ट बीट है वो थोड़ी स्लो होती है, मतलब 60 से 90 बीट पर मिनट होती है। लेकिन जब दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है या ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है तो फिर यही हार्ट बीट 120 से 160 तक पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो बच्चे की जो हार्ट बीट है वो पीरियड साइकिल के मिस होने के लगभग 2 हफ्ते 5 दिन के अराउंड दिखाई देती है। अब यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो कपल्स हैं वो ये गलती करते हैं कि भाई यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है और वो अगले दिन ही जाके अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो भाई जब गेस्टेशनल सैक ही बनना स्टार्ट हुआ है तो आपको बच्चे की हार्टबीट कहाँ से दिखाई देगी? या फिर जो ये 6 वीक्स की प्रेगनेंसी का टाइम है इसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं दिखाई दी या आपको फीटल पोल या फिर योक सैक नहीं दिखाई दिया है, तो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम रहती है एक तो ये है कि आपको आपके पीरियड साइकिल की लास्ट डेट नहीं पता होगी, या फिर क्या होता है कि ओव्यूलेशन ही महिला को लेट होता है। जो पेशेंट PCOD PCOS के होते हैं या फिर हॉर्मोनल मेडिसिन वो लेते हैं, जैसे थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं या फिर शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं ना, तो उनको जो अंडा है वो लेट रिलीज होता है, मतलब ओव्यूलेशन ही लेट होता है। अब ओव्यूलेशन लेट होगा तो वो फर्टिलाइज लेट होगा, आप कंसीव लेट करोगे, इम्प्लांटेशन लेट होगा, गेस्टेशनल सैक लेट बनेगा, फिर योक सैक लेट बनेगा, फीटल हार्ट रेट भी लेट आएगी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना गाइज, इसको डिलेड कंसेप्शन बोला जाता है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन कई केसेस ऐसे होती हैं जिसमें हम लोगों को पता होता है कि किस दिन एक्चुअल में अंडा जो है वो इम्प्लांट हुआ है। मतलब यूजली IVF के केसेस में जब अंडे को एग को ट्रांसफ़र किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर, तो लगभग उसके 2 सप्ताह के बाद डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, जिसे सीरम बीटा HCG ब्लड टेस्ट ही कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं, लेकिन जो IVF के केसेस होते हैं उसमें वाया ब्लड प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। तो इस ब्लड टेस्ट में जब बीटा HCG की वैल्यू 1500 से 2000 के अराउंड हो जाती है तो फिर डॉक्टर आपको ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। नॉर्मली तो पेट के ऊपर से होती है सोनोग्राफी, लेकिन जो ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी है वो योनि मार्ग से होती है, क्योंकि जो योनि मार्ग है वहाँ से यूट्रस पास पड़ता है थोड़ा, और जो पेट के ऊपर से होता है वहाँ से यूट्रस थोड़ा अंदर की साइड होता है, इसलिए दूर होता है। साथ ही पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड करने पर फैट की लेयर होती है, सबक्यूटेनियस लेयर होती है, इसलिए जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो प्रॉपरली जाती नहीं है और प्रेगनेंसी का शुरुआती स्टेज में पता लगता नहीं है, जो IVF के केसेस होते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर आपको ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। स्टिल अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो बीटा HCG की वैल्यू जब 4500 से 6000 के अराउंड आ जाती है तो फिर आप एब्डोमन अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। मतलब नॉर्मली
अर्ली अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। अब सेम कंडीशन आपके साथ भी अप्लाई होती है, अगर 6 वीक्स का जो टाइम पीरियड है वहाँ पर बच्चे की हार्ट बीट नहीं दिखाई दे रही है तो यूजली हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि आप 2 हफ्ते के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाओ। अब जिन पेशेंट की जो हिस्ट्री है ना उसमें मिसकैरेज होता है या ब्लीडिंग हो जाती है कई बार पेशेंट को, तो हम लोग एक तो हार्मोनल सपोर्ट के लिए मेडिसिन देते हैं, प्रोजेस्टेरोन की गोलियाँ होती हैं 200 मिलीग्राम की या 300 मिलीग्राम की, आपको खाने के लिए भी दे सकते हैं या वजाइनली इंसर्ट करने के लिए भी दे सकती हैं, कई बारी SCG का इंजेक्शन भी देना पड़ता है पेशेंट को। अच्छा, जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड की टैबलेट आपको देते हैं 14 दिन के लिए, फिर 14 दिन के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड करवाने पर मोस्टली जो 90% पेशेंट होते हैं उनको ए सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी करके अल्ट्रासाउंड में आता है, जिसका मतलब ये है कि भाई फीटस दिख गया है, यूट्रस के अंदर ही है, योग सैक भी अवेलेबल है और गेस्टेशनल सैक भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन स्टिल 2 हफ्ते के बाद भी अगर आपको आ रहा है कि नो हार्ट बीट फाउंड या फिर कार्डियक एक्टिविटी नॉट फाउंड या फिर योग सैक नॉट फाउंड, तो देखिए फिर ये एक चिंता का विषय होता है जिसके लिए आपको एडवांस टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सपोज कीजिए कि 8 वीक्स पर अगर आप एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो तो फिर आपको ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करवानी चाहिए, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बताया है कि पास पड़ता है यूट्रस, तो डॉक्टर आपको ईजिली देख सकते हैं यूट्रस में कि बच्चा इम्प्लांट हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरा टेस्ट आप करवा सकते हो बीटा SCG हार्मोन टेस्ट, अगर प्रेगनेंसी मिसकैरेज की तरफ जा रही है, अबोशन की साइड जा रही है, सेल्फ मिसकैरेज होने के कगार पर है प्रेगनेंसी, तो फिर बीटा SCG की जो वैल्यू है ना वो भी डिक्रीज हो जाती है। अगर नॉर्मल रेंज आपको दिखाई देती है तो आपको 4 दिन के बाद दोबारा से बीटा SCG ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ये वैल्यू अगर डबल हो जाती है तो एक अच्छा साइन है, आप चांस ले सकते हो वेटिंग का कि भाई प्रेगनेंसी आगे ग्रो हो सकती है। लेकिन अगर बीटा SCG की वैल्यू डबल नहीं होती है या डिक्रीज हो रही है तो फिर ये एक साइलेंट मिसकैरेज है, या फिर आप समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही है, इस प्रेगनेंसी को रखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट होगे ना तो आपको ये भी पता लगेगा कि सारे के सारे जो साइनो सिम्टम्स हैं ना प्रेगनेंसी के, अगर वो धीरे धीरे जा रहे हैं, जैसे बैक पेन नहीं हो रहा है, आपको लोअर एब्डोमेन पेन नहीं हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग नहीं हो रही है, ब्रेस्ट टेंडरनेस नहीं हो रही है, तो फिर जो टेस्ट हैं वो भी सही हैं, डॉक्टर भी आपको सही बता रहे हैं, लेकिन स्टिल प्रेगनेंसी के सारे साइनो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, बीटा SCG की वैल्यू भी सही है, नॉर्मल रेंज में है, तो फिर प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो, चांस ले सकते हो। लेकिन कितना मैक्सिमम टाइम, क्योंकि देखिए चांस लेना भी आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर बच्चा ही ख़त्म हो गया तो प्रेगनेंसी रखने का फ़ायदा नहीं है। प्रेगनेंसी तो बॉडी कभी भी रिजेक्ट कर सकती है, आपको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, कई बार चांस लेते हो तो अंदर यूट्रस की लाइनिंग में इन्फेक्शन हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आप कंसीव करने लायक भी नहीं रहते हो। तो जो लोग ज़्यादा टाइम का वेट करते हैं, पहली बात तो आपको हैवी ब्लीडिंग ही स्टार्ट हो जाती है, बॉडी खुद ही प्रेगनेंसी को रिजेक्ट कर देती है, दूसरा अंदर जो बच्चा है वो यूट्रस में पूरा चिपक जाता है, ठीक है। तो जब आप सर्जिकली अबॉर्शन करवाते हो तो डॉक्टर के लिए भी सफाई करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पर कई पेशेंट ये पूछते हैं कि सर मैक्सिमम कितना टाइम तक वेट कर सकते हैं, एडवांस टेस्ट जो हम लोग नहीं करवाना चाहते, जैसे ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी बीटा SCG टेस्ट नहीं करवाना चाहते, तो कितने मैक्सिमम टाइम तक आप करवा सकते हो। जो 63 दिनों का टाइम पीरियड है, मतलब अगर 2 महीने तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तो 61वें दिन या 62वें दिन आप एडवांस टेस्ट करवाओ, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करवाओ। तो 63 दिन का जो टाइम पीरियड है ना वो मैक्सिमम टाइम पीरियड है, क्यों? क्योंकि 63 दिन के अंदर आप बाय मेडिसिन अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा का टाइम आप लेते हो, रिस्क लेते हो, तो वैसे तो आपको कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो 63 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड पर मेडिसिन यूज़ करने से प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती है, अंदर कोई ना कोई प्रेगनेंसी प्रोडक्ट रह जाता है, फिर आपको सर्जिकली अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो 63 दिन मैक्सिमम है, अगर उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड का वेट करना चाहते हो तो वो आपका रिस्क है कि आप कितना टाइम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना चाहते हो, लेकिन पूरी तरह से रिस्क रहेगा। स्टिल अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मुझे आपकी हेल्प करके बहुत 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 ज़्यादा खुशी रहेगी, कमेंट कीजिएगा
कमेंट में आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अगर हमारी टीम मैं बिज़ी रहता हूँ तो व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ से आपको सारी कॉन्टैक्ट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। ऐसी ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।